दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मैनी डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस न्यू क्लास में। गाइस, आज का हाथ हमारा बैकहेंड का है। देखिए, मैंने कल लगाया था फ्रंट एंड का डिजाइन, इसका कलर ये आया हुआ है, और ये मार्केट की कोन है जिसका कलर ये आया है, और डिजाइन का लुक बहुत ही ज्यादा प्रीटी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है। और इसमें एक एक चीज मैं आपको थोड़ा बारीकी से बता दूं। होता क्या, जनरली जब आप मधुबनी बनाते हैं, देखिए मधुबनी से क्या होगा, ये चीज अकॉर्डिंग टू जैसे मेहंदी का पेस्ट है, ये डार्क हो जाएगी, और ये चीज होती है लाइट, जो मैंने शेड किया हुआ ये लाइट हो गया है। देख पा रहे हैं, जो मैंने लाइंस दी हुई हैं ये लाइट आई हैं, और जो ये वाला मैंने एलिमेंट दिया है, देखिए मेहंदी का कलर कम आया है इसलिए ये चीज इतनी डार्क है। सोचिए अगर मेहंदी क्वालिटी और अच्छी रही होती तो गाइस कितना डार्क रहा होता है ये डिजाइन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो मधुबनी है, आप खुद बताइए पूरे डिजाइन में मधुबनी हमारी हाईलाइट कर रही है, बारीक फीलिंग अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, बट अगर पूरे डिजाइन की बात करूँ तो मधुबनी गाइस हमारी अट्रैक्टिव लग रही है, ये वाले ड्रॉप्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ जो बनाया करें हम फिनिशिंग से बनाया करें ताकि क्लैरिटी बहुत ही मस्त आए, ठीक है। अब हम बैक करते हैं हाथ। मान लीजिए अगर यही आगे मेहंदी लगी होती और मेहंदी सूखी नहीं होती, हल्की सी ड्राई होती, तो हम हाथ को ऐसे रखते हैं, बट हमने हाथ को पूरा इसलिए रखा है क्योंकि आगे की मेहंदी पूरी सूख चुकी है। तो गाइस हम मेहंदी की स्टार्टिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां से हम लगाएंगे मेहंदी, यहां से ऊपर जाएगा डिजाइन और यहां से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहां से लगा के हम यहां से बनाएंगे। सबसे पहले हम यहां बनाएंगे गाइस इस तरह से, पहले हम कोन क्लीन करेंगे और यहां पर हम बनाएंगे राउंड सर्कल का डिजाइन कुछ इस तरह, ठीक है। राउंड सर्कल जब बनाते हैं तो आपको इस टाइप के ये रोज फ्लावर देने हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एक एक फ्लावर को आपने बनाना है फिनिशिंग की तरह, जितनी फिनिशिंग से आपका फ्लावर बनेगा उतना ही डिजाइन गाइस आपका हाईलाइट करेगा। देख रहे हैं गाइस, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब जस्ट इसके बगल में भी मैं इसी तरह से राउंड सर्कल दूंगा, और गाइस बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही अच्छा डिजाइन है। इसको आप अगर सीख के सोच समझ के किसी के लगाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा, इसकी फिनिशिंग आएगी, इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। दो फ्लावर हो गए, अब तीसरा फ्लावर हमें बनाना है इधर इस जगह पे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे राउंड सर्कल का डिज़ाइन, और यहाँ पर आउटलाइन, अगेन आउटलाइन, अगेन आउटलाइन, कुछ इस तरह, ठीक है। एक एक डिज़ाइन को, एलिमेंट को फिनिशिंग से बनाएं। यहाँ पर आप बना दीजिए डॉट का डिज़ाइन, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप ये डिज़ाइन देते हैं, ठीक है, हो सकता है इसमें कलर बहुत कम आए, तो उसके लिए क्या करना है वो समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए बहुत प्यार से। यहाँ पर आप इस तरह से आपको बनानी है दो लीफ के डिज़ाइन, एक लीफ का फेस इधर बनाइए और इसका बनाइए इधर की तरफ, ठीक है। और हमें अब क्या करना है, इस चीज़ को कुछ ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप इस तरह से टच कीजिए, पुश कीजिए, आउटलाइन दीजिए, कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आपको टच करना है, पुश करना है, आउटलाइन देनी है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इधर भी हमें इसी तरह से लीप के दो डिज़ाइन बनाने हैं, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर दिया है, अगेन इधर बनाया है, ठीक है। बीच में हम डाल देंगे इस लेयर का डिज़ाइन कुछ इस तरह। सुबह से गैस मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो इसीलिए आपके लिए शूट कर रहा हूँ। देखिए टाइम दिखाता हूँ आपको मैं, टाइम हो रहा है 12:05, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको करूँगा इस तरह से बोल्ड, आराम से बोल्ड करना है, जल्दबाजी ना करें, कुछ इस तरह से। अगर आप ये डिज़ाइन किसी के लगाते हैं, मान लीजिए आपका क्लाइंट है, कस्टमर है आपका, या फिर आपका कोई नेबर है, रिलेटिव है, तो उसको जब आप लगाएंगे तो आपको इसी फिनिशिंग के साथ, इसी क्लैरिटी के साथ आपको डिज़ाइन लगाना है, और आपको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। कोन को सब क्लीन करते रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आउटलाइन को बोल्ड कर दें, ठीक है, इधर भी, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया इस प्रकार का डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर टच करूँगा, पुश करूँगा ऊपर की तरफ लेयर, इस तरह से मैंने ये दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डॉट्स के डिज़ाइन दूंगा क्योंकि हाथ पे काफ़ी सारे हेयर्स आ रहे हैं, तो
तो उसको कवर अप करने के लिए इसको मैं आराम से टच करूँगा। गाइस इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पर लाइन को टच करूँगा, इस तरह से पुश करूँगा, ऊपर की तरफ लेयर दूंगा कुछ इस प्रकार से। इसके ऊपर मुझे बनाने हैं इस प्रकार से आराम आराम से स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन। हमारे स्मॉल सर्कल एकदम परफेक्ट बनने चाहिए, फिनिशिंग के साथ बने तो क्लैरिटी और भी अच्छी आती है इस तरह से। तो गाइस फटाफट से मैं इसके ऊपर वन टाइम अगेन रिपीट करूँगा स्मॉल सर्कल। गाइस डिज़ाइन चाहे कोई सा भी हो, आपको स्मॉल सर्कल हर जगह बनाना है। गाइस जब हम ये बना लें तो आपको यहाँ पर इस तरह से टच करना है, पुश करना है, नीचे की तरफ लेयर्स देनी है, आपको ये ड्रॉप के डिज़ाइन देने हैं। ठीक है, एक एक ड्रॉप के डिज़ाइन को आपको बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग की तरह बनाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और कोन को आप क्लीन करते रहें, क्योंकि देखो गाइस ये मार्केट की कोन है तो थोड़ी सी ये डिस्टर्ब भी करेगी मुझे, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें कोन को एकदम परफेक्ट तरीके से चलाना है, क्योंकि आपको अपनी हैबिट डालनी है ताकि आपके सामने परिस्थिति कैसी भी हो आपको फिनिशिंग से वर्क करना है। ठीक है गाइस, जब आप इसको बना लें तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए जो ये लीव का डिज़ाइन है, ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर देना है सेट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको आराम आराम से सेट का डिज़ाइन देना है। अगर आप सेट का डिज़ाइन देना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से लेयर्स का डिज़ाइन दीजिए, एक एक लेयर को आपको बनाना है एकदम फिनिशिंग से परफेक्ट तरीके से। जितनी बढ़िया आपकी ये लेयर बनेंगी उतना अच्छा आपका डिज़ाइन का लुक आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से, और इधर भी आपको ऐसे ही बनाना है एज इट इज़। एक एक लेयर को फाइन और फिनिशिंग से बनाएं लाइक दिस वन। ठीक है, एक एक लाइन को परफेक्ट जब बना लें तो गाइस इधर भी देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर शेड दिया है तो यहाँ पर मैं शेड दे देता हूँ, नहीं तो फिर इसका लुक अलग लगेगा। ठीक है, और इसका अलग लगेगा। तो गाइस इधर मैंने शेड का डिज़ाइन दिया हुआ है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ फ्लावर के डिज़ाइन की। अगर मैं इसमें शेड देता हूँ तो आपने आगे एग्जांपल देख ही लिया है, कलर कम आता है शेड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से टच करूँगा, पुश करूँगा, इस तरह से बनाऊँगा ये ड्रॉप के डिज़ाइन लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक डिज़ाइन को परफेक्ट तरीके से बनाना है। इधर भी मैं इसी तरह से टच करूँगा, पुश करूँगा, ये ड्रॉप के डिज़ाइन दिए हैं मैंने लाइक दिस वन। ठीक है गाइस, मैं आपको ये डिज़ाइन बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप ये किसी के लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और मान के चलिए अगर आपके पास कोन है जिसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है तो आपको यहाँ पर बोल्ड नहीं करना है, आपको यहाँ पर शेड देना है। क्लियर होगा गाइस, एकदम परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पर मैं इस तरह से छोटे छोटे से ड्रॉप बनाऊँगा, इस तरह से बड़ा ड्रॉप, छोटा ड्रॉप एंड छोटा ड्रॉप। ठीक है, इधर भी अगेन मैंने ये बड़ा ड्रॉप दिया है, छोटा ड्रॉप दिया है और ये छोटा ड्रॉप दिया है। क्लियर है, इधर भी गाइस मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ नहीं दूंगा ड्रॉप वगैरह, यहाँ पर इनफ है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से टच करूँगा, आउटलाइन को दूंगा और यहाँ पर मैं एक डॉट बना के इसको इधर की तरफ टर्न करूँगा। इधर भी मैंने गाइस इसी तरह से लाइन दी है, देखो लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, लाइन टेढ़ी होगी इसको मिटाएंगे हम लाइन को फटाफट से। गाइस लाइन हमारी ख़राब हो चुकी थी तो मैंने लाइन को इरेज किया है। अब मैं इधर इसको टच करूँगा, पुश करूँगा ऊपर की तरफ, इस तरह से बोल्ड लाइन देके यहाँ पर पतली लाइन दे दूँगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी लाइन कभी ख़राब होती तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगा स्मॉल सर्कल जैसे मैंने यहाँ दिए हैं, एक एक स्मॉल सर्कल को मैं परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करूँगा। तो गाइस जब ये बन जाए तो आपको क्या करना है, देखिए क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पर आप इस तरह से राउंड सर्कल का डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, जब राउंड सर्कल बना लें तो आपको इस तरह से ये आउटलाइंस देनी है जैसे मैंने नीचे दिया था। अब ऊपर की तरफ भी इसी प्रकार से आपको ये आउटलाइन देनी है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लीफ का डिज़ाइन दूंगा, फर्स्ट लीफ, सेकेंड लीफ। ठीक है, इसमें आप चाहे तो लेयर्स डालिए या फिर आप डालिए सेट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और एकदम नया डिज़ाइन है गाइस,
इसको आप किसी के हाथ पे ट्राई कीजिए, यकीनन आपकी वो तारीफ जरूर करेंगे। अब इस तरह से मैं इसको करूँगा बोल्ड, ठीक है। अब इधर भी गाइस मैंने इसी तरह से एक सर्कल देना है, इस तरह से सर्कल देने के बाद यहाँ पर आप आउटलाइन के डिज़ाइन को ड्रॉ कीजिए, इधर भी आउटलाइंस दीजिए इस तरह से, ठीक है, और इधर भी आप आउटलाइन बनाइए, बीच में आप डॉट डाल दीजिए, ठीक है, क्लियर है गाइस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बोल्ड करना है लाइक दिस वन, जैसे हमने इधर किया है ऊपर की तरफ, ऐसे ही हम इधर भी इसको बोल्ड करेंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है गाइस, इसको आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप दे के बोल्ड कर दीजिए, ताकि इसका डिज़ाइन का लुक भी अच्छा है और आपका कलर जो है हाथ पे वो भी अच्छा है, ठीक है, आपके दोनों काम हो जाएंगे इस तरह से, क्लियर है गाइस। अब देखिए जो ये जगह बची हुई है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से एक बनाऊंगा आंबी का डिज़ाइन, इस तरह दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से बनाऊंगा ड्रॉप के डिज़ाइन, एक एक ड्रॉप को मुझे परफेक्ट बनाना है, फिनिशिंग से बनाना है, और कोन को आप क्लीन करते रहे हर एलिमेंट पे इस तरह से, क्लियर है गाइस। अब देखिए यहाँ जो जगह बची हुई है, आप चाहें अगर आपके पास स्पेस है थोड़ा बहुत तो आप इस तरह से लीप के डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इधर किया है मैंने, और इधर की तरफ भी आपको लीप का डिज़ाइन ड्रॉ करना है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लेयर्स बनाऊँगा इस तरह से, और इधर भी आप इसी प्रकार से टच करें, पुश करें, हल्के हल्के हाथ से आपको ये लेयर बनानी है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप चाहे तो लाइक शेड दे सकते हैं या फिर आप इस टाइप से वो लाइनिंग दे दीजिए, ठीक है गाइस। पूरा डिज़ाइन का आप लुक देखो, ओवरऑल लुक कितना प्रिटी, कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। अच्छा लगा हो गाइस तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि ट्रेनिंग को लाइक जरूर किया करें, ताकि हम मुझे भी मालूम पड़े आपको ट्रेनिंग कैसी लगी है, और ये मार्केट की कौन है, इतनी अच्छी तो नहीं चल रही है, बट मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अच्छी चलाने की, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। ओके गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस। डिज़ाइन का ओवरऑल पूरा लुक देखिए कितना सुंदर और कितना प्रिटी डिज़ाइन लग रहा है। सोचिए गाइस इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, रात को घर पे बैठ के, नए स्टूडियो में बैठ के आपके लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एसी ऑन नहीं हुआ यहाँ पर, और फैन चला नहीं सकता, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो नॉइस बहुत सारी आएगी, बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी, आप लोग समझ में आएंगे। देख पा रहे हैं गाइस मेरे चेहरे पर कितना पसीना आ रहा है, कितनी स्वेटिंग हो रही है, और इसी प्रकार से जो हमारी मॉडल हैं उनको भी एकदम गर्मी से पूरी पसीने पसीने हो गई हैं। तो गाइस इतनी मेहनत से आपके लिए ट्रेनिंग शूट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है गाइस इसको लाइक जरूर करना, और अच्छी लगी हो उसको जरूर शेयर करें, ताकि आपकी तरह और लोगों की ट्रेनिंग काम आ सके। गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, थैंक यू सो मच गाइस।